गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है दिए गए सीमेंट में कैल्शियम कंटेंट की परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कंटेंट इन द सीमेंट सैंपल। सीमेंट में कितनी जो है कैल्शियम कंटेंट है उसकी जो है आज परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है ब्यूरेट पीपेट कोनकर फ्लास्क बीकर फनल मेजरिंग फ्लास्क मेजरिंग सिलेंडर वाश बॉटल फिल्टर पेपर चाहिए हॉट प्लेट और टेस्टिंग कर सकता है। ये तो थे ऑपरेटर्स हमारे। केमिकल्स रिक्वायर्ड जो है हमारे MI100 PDTA सोल्यूशन एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक सोल्यूशन अमोनिया बफर सोल्यूशन इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर चाहिए कंसंट्रेटेड SCL और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमें चाहिए। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड अमोनिया सोल्यूशन और सीमेंट ये चीज हमें चाहिए, इतना चीज हमें चाहिए। अब इसकी थ्योरी क्या है, सीमेंट कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन सिलिका एक्सेट्रा। देखिए सीमेंट में जो है मेनली जो उसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड्स सिलिका ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो सीमेंट में परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की और सिलिका ऑक्साइड की ज्यादा परसेंटेज होती है। तो लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 60-65%। तो सीमेंट में लगभग 60-65% जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिका ऑक्साइड जो है 17-25%, इसी तरह एल्युमिनियम जो है 3-8% और फेरस ऑक्साइड जो होता है 2-6% लगभग होता है। तो ये तो हमारा जो सीमेंट्स में पाए जाने वाले ऑक्साइड्स थे वो हमने बताए। तो मेनली जो हमारा सीमेंट जो होता है सीमेंट में कैल्शियम जो है कैल्शियम की मात्रा जो है अधिक होती है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आज हमको उसी की निकालना है, हमारा ऑब्जेक्ट था डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कंटेंट इन द सीमेंट सैंपल। ठीक है, इसके लिए जो थ्योरी रिएक्शन क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट में जब हम SCL मिलाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड SCL के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और स्टोव बनाता है। और जो कैल्शियम है कैल्शियम को क्या होगा, कैल्शियम जब हम उसको EDTA के साथ टाइट्रेट कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम में हमने जो सोल्यूशन है उसमें हमने इंडिकेटर इस्तेमाल किया इडियोक्रोम ब्लैक टी और तो बना दिया इसने अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया वाइन रेड का जो है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये वाइन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जब हम EDTA डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA के साथ टाइट्रेट कराएंगे तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इडियोक्रोम ब्लैक टी ब्लू कलर आएगा, वाइन रेड से कलर एंड पॉइंट पर क्या हो जाएगा ब्लू कलर आएगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। EBT मीन्स इडियोक्रोम ब्लैक टी और Na2y डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA, क्योंकि इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स बन रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है तो दिस टाइट्रेशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम 1 ग्राम सीमेंट को वे कर लेंगे, वे करने के बाद उसको 100 ml के बीकर में पलट लेंगे, उसके बाद उसमें हम क्या मिलाएंगे 10 ml कंसंट्रेटेड SCL मिलाएंगे और उसमें लगभग 2 ml वाटर मिला करके उसको डिजॉल्व कर लेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे और स्पैचुला से उसको शेक करते रहेंगे। जब वो डिजॉल्व हो जाएगा तब उसको 250 ml के उसमें मेजरिंग सिलेंडर में सॉरी मेजरिंग फ्लास्क में हम क्या करेंगे उसको फिल्टर कर लेंगे, एक और भी फिल्टर पेपर लेंगे और उसको लगा करके फनल पे हम उसको उसमें पलट देंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है नीचे हमें कोनकर फ्लास्क में 250 ml के कोनकर फ्लास्क में नीचे हमें फिल्ट्रेट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे इसको हम उसमें हम 250 ml का डिस्टिल वाटर भर देंगे। तो ये हमारा 250 ml का जो है बन गया ये आपका स्टॉक सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में से क्या करेंगे हम 50 ml एक बीकर में नाप लेंगे, 50 ml नापने के बाद उसमें क्या करेंगे हम 1 ml नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे और उसके बाद उसको हॉट प्लेट पर रख करके बॉयल करेंगे। जब वो बॉयल होने लगेगा तब उसके बाद उसको उतार लेंगे और उसके बाद उसको अमोनियम क्लोराइड लगभग 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड उसमें मिलाएंगे और 1 ml नाइट्रिक एसिड उसमें सॉरी 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे और उसमें करीब 1 टेस्टिंग अमोनिया सोल्यूशन जो अमोनिया सोल्यूशन है उसमें एक लगभग 1 टेस्टिंग उसमें मिलाएंगे और उसको कॉन्स्टेंट स्टेरिंग करते रहेंगे
तो उसमें क्या करेंगे कि एल्युमिनियम और आयरन का जो हमें प्रेसिपिटेट मिलने लगेगा, उस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, फिर हम एक 250 ml के मेजिंग फ्लास्क लेंगे और 250 ml के मेजिंग फ्लास्क में फनल लगाकर फिल्टर पेपर से उसको फिर क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और नीचे जो फिल्ट्रेट प्राप्त होगा उसमें जो है हम 250 ml तक डिस्टिल्ड वाटर भर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो है सीमेंट सॉल्यूशन या सीमेंट सैंपल तैयार हो गया है। अब इस सीमेंट सैंपल से हम टाइट्रेशन करेंगे, उस सीमेंट सैंपल से अब हम क्या करेंगे 25 ml पीपेट आउट कर लेंगे पीपेट की सहायता से एक क्रिटिकल फ्लास्क पे। ब्यूरेट में हम M/100 EDTA भर लेंगे और उसके बाद 25 ml हमने इसको पीपेट आउट किया, सीमेंट सॉल्यूशन है, उसके बाद उसमें हमने लगभग 5 ml अमोनिया बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे और कुछ बूंदें जो हैं इंडिकेटर की मिलाएंगे इलियोक्रोम ब्लैक की, उसको मिलाएंगे। जब वो वाइन रेड कलर आएगा मतलब कि वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आ गया। अब अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे EDTA से टाइट्रेट कराएंगे। तो हमारा जो है देखेंगे कि वाइन रेड कलर जो है एट दी एंड पॉइंट पर जो है ब्लू कलर आ जाता है, वाइन रेड से क्या होता है ब्लू कलर आ जाता है और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस तरह हमारा एंड पॉइंट निकल आएगा, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इस तरह हम तीन बार करेंगे, कम से कम दो रीडिंग हमारी कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन द्वारा हम परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकाल लेंगे कि सीमेंट में कितना परसेंटेज है कैल्शियम। तो इस तरह भी हम करके आपको दिखाते हैं, तो आप लोग देखिएगा। आइए हम लोग जो है सीमेंट की सहायता से सैंपल तैयार करते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले हम 1 ग्राम सीमेंट जो है वे कर लेंगे, तौल लेंगे और ये हमने जो है 1 ग्राम सीमेंट तौलेंगे। एक ग्राम सीमेंट जो है हमने तौल लिया है, देख रहे हैं ये लगभग 1 ग्राम सीमेंट जो है आ गई मेरे पास। अब हम क्या करेंगे इसको जो है एक बीकर में हम इसमें डाल देंगे। हमने बीकर में जो है 1 ग्राम सीमेंट जो है ले लिया है। अब इसमें जो है हम 10 ml कंसंट्रेटेड SCM, देखिए ये सारे जो है कंसंट्रेटेड जो है केमिकल्स हैं, ये सारे कंसंट्रेटेड हमें इस्तेमाल करने हैं। देखिए ये जो है SCL है और ये जो है आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये अमोनिया है अमोनिया सॉल्यूशन और ये है अमोनियम क्लोराइड, ये सारे हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे 10 ml SCL जो है मेजिंग सिलेंडर की सहायता से नापेंगे। ये हमने SCL ले लिया, कंसंट्रेटेड SCL है, इसको जो है मेजिंग सिलेंडर की सहायता से ये SCL जो है नापेंगे। ये मेजिंग सिलेंडर है, देख रहे हैं ये मेजिंग सिलेंडर की सहायता से 10 ml लगभग 10 ml SCL नाप लिया हमने और इसमें मिला दें 10 ml SCL नाप के इसमें मिला दिया। अब इसको हम थोड़ा सा स्पैचुला से शेक कर लेंगे और इसमें लगभग 2 ml वाटर जो है इसमें मिला दें, लगभग 2 ml वाटर जो है वो इसमें मिला दिया है। इसको थोड़ा शेक करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे गर्म गर्म हीट करेंगे। ये हमारे पास जो है हॉट प्लेट है, ये हॉट प्लेट है, इस हॉट प्लेट पे हम इसको गर्म करें, इसको हमने रख दिया और इसको हमने
ऑन कर दिया है, अब ये ऑन हो गया है। अब इसको हम कुछ देर के लिए हॉट प्लेट पे गर्म करेंगे और बीच बीच में हम इसको शेक करते रहेंगे, इसको चलाते भी रहेंगे और गर्म करते रहेंगे। ये लगभग गर्म हो गया है, गर्म हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। गर्म तो काफ़ी गर्म हो चुका है ये, अब इसको हमने बंद कर दिया और ये हम अब इसको हमको ठंडा करना है। कुछ देर के लिए इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, इसको हम ठंडा करेंगे। इसको हमने कुछ देर के लिए रख दिया है, अभी ठंडा हो जाएगा फिर आगे करेंगे। आइए जो है देख रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है सीमेंट का, ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के लिए जो है एक हमें फ़िल्टर पेपर चाहिए। इसको जो है इस तरह हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ही काम चल जाएगा, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लेंगे। इसको हम इस तरह मोड़ लेंगे, देख रहे हैं, फोर फोर में मोड़ कर लेंगे। मोड़ने के बाद इसको जो है तीन हिस्सा, एक तरफ रहेगा और एक हिस्सा एक तरफ रहेगा, इसको फनल पे इस तरह हम लगा देंगे। लगाने के बाद एक हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क है, इसमें रखने के बाद इसको हमको फिल्टर कर लेना है। ठंडा करने के बाद इस तरह जो है अब ये फिल्टर कर लें। अभी धीरे धीरे फिल्टर हो रहा है। फिल्टर करने के बाद फिर आगे करेंगे। लगभग ये जो है फिल्टर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है 100 ml तक डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। इसको फिल्टर करने के बाद इसमें जो है 100 ml तक इसमें डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। ये हमने डिस्टिल वाटर ले लिया। और इसमें इसको 100 ml तक डिस्टिल वाटर इसमें भर लेंगे। हमने 100 ml तक जो है डिस्टिल वाटर भर दिया। इसमें ये हमारा जो है देख रहे हैं 100 ml तक डिस्टिल वाटर भर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम 50 ml पीपेट आउट कर लेंगे। 50 ml जो है चाहे हम पीपेट आउट कर लें या हम बीकर से भी नाप सकते हैं। बीकर में हमारे 50 ml जो है हमने इसमें से ले लिया। ये हमने बीकर है, इसमें मेजरिंग बना हुआ है इसके। फिफ्टी एम एल जो है हमने इसको से ले लिया है। ये 50 ml हमने ले लिया है। इस 50 ml को जो है हम इसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे। ये नाइट्रिक एसिड है मेरे पास, देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड है। एक मेजिंग सिलेंडर लेंगे और इसमें देख रहे हैं ये मेजिंग सिलेंडर है, इसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड नाप लेंगे। वन एम एल नाइट्रिक एसिड नाप लिया। इसमें मिला देंगे
ये हमने जो है नाइट्रिक एसिड इसमें मिला दिया। नाइट्रिक एसिड मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हमने फिर इसको बीकर में पलट लिया। अब बीकर में इसको पलटने के बाद फिर हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए फिर हम हॉट प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। ये हॉट प्लेट पर हमने रख दिया है और इस पर हमने फिर चला दिया। अब इसको हमको बॉयल करना है। जब बॉयल हो जाएगा तब इसमें हम 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड इसमें मिलाएंगे और 1/2 टेस्ट ट्यूब अमोनिया सोल्यूशन। देख रहे हैं इसमें लगभग ये अमोनिया सोल्यूशन है, अमोनिया सोल्यूशन मिलाएंगे 1/2 टेस्ट ट्यूब और लगभग 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड जो है इसमें मिलाना है। तो इसको हॉट प्लेट पर हमने रख दिया है। अब ये धीरे धीरे बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद इसमें हम फिर आगे करेंगे। आइए जो है ये बॉयल हो चुका है, हमने बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा रखेंगे। अब इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड वे करेंगे। अमोनियम क्लोराइड 1 ग्राम वे कर लेंगे। ये जो है रिंग ट्यूब को भी पहले, अब इसमें जो है 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, लगभग 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया है। और इसको जो है हम इसमें मिला देंगे, अमोनियम क्लोराइड इसमें मिला देंगे। अमोनियम क्लोराइड मिलाने के बाद थोड़ा सा ड्रॉप कर लेंगे। कॉन्स्टेंट स्टेरिंग करेंगे। अब इसमें लगभग 1/2 टेस्ट ट्यूब अमोनिया सॉल्यूशन है ये, इसको लगभग 1/2 टेस्ट ट्यूब जो है हम नाप लेंगे। ठीक है, ये 1/2 टेस्ट ट्यूब अमोनिया ले लिया। इसी में मिला दिया। अब देखें इसमें जो है प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक उसी तरह हमने एक मेजरिंग ग्लास ले लिया, उसी तरह एक फिर हम एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेंगे और इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को फिर उसी तरह हम फनल में लगाएंगे। ये फनल ले लेंगे। इस वार्ड में इस फनल में लगाना है। ये हमने ले लिया और इसको फिर हम एक मेजरिंग क्लास में फिल्टर कर लेंगे। देख लेंगे प्रेसिपिटेट बन गया है, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ रहा है इसके बॉटम में। अब इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे मेजरिंग क्लास में। तो जो है
अब ये फिल्टर हो जाएगा। ये फिल्टर हो गया है, अब क्या करेंगे देख रहे हैं, ये फिल्टर हो गया है, अब क्या करेंगे इसमें जो है डिस्टिल वाटर मिलाएंगे 100 ml तक पाइप की सहायता से। इसमें एक फनल लगा कर डिस्टिल वाटर हमें लाना है। हंड्रेड एम एल तक हम इसको भर लेंगे डिस्टिल वाटर से। ये हमारा 100 ml तक भर गया। अभी हमारा जो है सीमेंट सॉल्यूशन तैयार हो गया है, अब इसी से हम आगे जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सीमेंट सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब इसको हमने सीमेंट सॉल्यूशन बनाने के बाद अब आगे हम जो है इसको हम M/100 EDTA से टाइटेट कराएंगे। अभी हम आपको कराते दिखाते हैं। आइए अब हम लोग जो है आगे करते हैं। ये हमारा जो था ये सॉल्यूशन हमने जो है सीमेंट का सॉल्यूशन तैयार कर लिया था। अब इस सॉल्यूशन को जो है हम टाइट्रेट करेंगे, तो इसके लिए जो ऑपरेटर चाहिए हमें ब्यूरेट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर और एक पीपेट। ठीक है, ये पीपेट चाहिए हमें, ये पीपेट है 25 ml का और ये पीपेट पंप है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर अच्छी तरह हमारे साफ होने चाहिए। साफ होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमें जो है M/100 EDTA बना लिया है। इसको EDTA बनाने के लिए जो है 3.72 ग्राम एथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है हम डिस्टिल वाटर में 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। उसमें जो है डिजॉल्व करने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा EDTA। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इसको क्या करेंगे हम ब्यूरेट में भर देंगे। ब्यूरेट भरने के लिए आप फनल का इस्तेमाल करेंगे। फनल अच्छे से साफ होनी चाहिए। इसको हम पहले टैप वाटर से साफ करेंगे। टैप वाटर से साफ करने के बाद और डिस्टिल वाटर से साफ कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे ब्यूरेट में M/100 EDTA भर लेंगे। जीरो से थोड़ा ऊपर मैंने भर लिया है। अब इसको क्या करेंगे हम जीरो पर लाएंगे। जीरो पे आ गया। तो इस तरह ब्यूरेट में हमारा आ गया M/100 EDTA। अब हम क्या करेंगे कोनिकल फ्लास्क लेंगे। कोनिकल फ्लास्क जो है अच्छी तरह डिस्टिल वाटर से साफ होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे अब कोनिकल फ्लास्क में जो है हम जो हमारा सीमेंट सॉल्यूशन बना हुआ है इसको जो है 25 ml नाप लेंगे। ये हमारा जो है सीमेंट सैंपल है, 25 ml जो है हम पीपेट आउट कर लेंगे। इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्च तक हमको भर लेना है। ठीक है ना, ये मार्च तक हमने भर लिया है और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेंगे। ये धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क में जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह कोनिकल फ्लास्क में आ गया हमारा सीमेंट सैंपल। अब इसमें क्या करेंगे, ये अमोनिया बफर सॉल्यूशन है। अमोनिया बफर सॉल्यूशन जो है एक मेजरिंग सिलेंडर से नाप लेंगे 5 ml। ये 5 ml अमोनिया बफर सॉल्यूशन जो है हमने
नाप लिया, इसमें मिला देंगे, इनमें मिला दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इरियोक्रोम ब्लैक टी हमारे पास है, इसकी जो है इरियोक्रोम ब्लैक टी मिलाएंगे। ये हमने इरियोक्रोम ब्लैक टी मिला दिया इसमें, तो इसका कलर जो है वाइन रेड आ गया, देख रहे हैं ये वाइन रेड आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ईडीटी एक साथ टाइट्रेट कराएंगे, और नज़र हमारी कुंकल पास पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वाइन रेड कलर जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा वही हमारा एंड पॉइंट होगा। तो इस तरह हम इसको शेक करते रहेंगे, नज़र हमको सीध रखनी है। और ये धीरे धीरे कलर जो है चेंज हो गया, ये अब ये धीरे धीरे ये वाइन रेड से देख रहे हैं, वाइन रेड से ब्लू कलर आ गया, देख रहे हैं। तो इस तरह जो है हमारा एंड पॉइंट आ गया है। इसे दोबारा फिर हम करेंगे, इसको साफ कर देंगे, साफ करने के बाद ठीक उसी तरह फिर हम 25 में सीमेंट सैंपल लेंगे, बाहर तक भर दिया हमने, इसको कंप्यूटर साथ में ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें जो है 5 ml अमोनिया बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे, देख रहे हैं कलर वाइन रेड आ गया है, वाइन रेड आ गया है। अब इसको इनिशियल रेटिंग पढ़ लेंगे, और इसको शेक करते रहेंगे, एंड पॉइंट पे हमें ब्लू कलर प्राप्त होगा। तो कलर इसका जो है चेंज हो गया है, और हमको ये कलर ये देखिए वाइन रेड से ब्लू कलर आ गया है, देख रहे हैं वाइन रेड से ब्लू कलर आ गया है, देख रहे हैं यही हमारा एंड पॉइंट है, देख रहे हैं। तो इस तरह हम जो है 3 बार करेंगे, जिसमें से 2 रीडिंग हमारी कंकॉर्डेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके हम परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकाल लेंगे। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है, सीरियल नंबर है, 3 बार हमने लिया है। पहला वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सैंपल इन ml, B1 मान लिया इसको, हमने 25 ml लिया, हर बार 25 ml लिया है। ड्यूरेट रीडिंग, ड्यूरेट में हमारा क्या है m/100 EDT है, ठीक है, उसमें इनिशियल रीडिंग लेंगे और फाइनल रीडिंग लेंगे।
तो हमने पहले क्या किया था, इनिशियल यूनिट जीरो से स्टार्ट किया और जब वाइन रेड से ब्लू कलर आया वो हमारा एंड पॉइंट है, वो हमारा 6.5 पे आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारा 6.5 आ गया, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ n बाई 100 EDTA सॉल्यूशन हमने कितना यूज किया, ठीक है, तो 6.5 आ गया, इसको V2 मानेंगे, ठीक है। इसी तरह दोबारा करेंगे, फिर हमने 25 ml सीमेंट सॉल्यूशन लिया और उसके बाद जो फाइनल रेडिंग थी वो अपनी बार क्या होगी, इनिशियल रेडिंग हो गई और उसके बाद जब हमारा एंड पॉइंट आया ब्लू कलर आया तो आई रेडिंग 30, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो फिर रीडिंग आ गई 6.5। इसी से तीसरी बार करेंगे हम तो 25 में फिर हमने जो है सीमेंट सैंपल लिया, 13 से स्टार्ट किया, इनिशियल रीडिंग 13 हो गई और उसके बाद फाइनल जो रीडिंग आई हमारी 19.3, तो फाइनल माइनस इनिशियल आई 6.3। तो इसमें से तीन बार हमने किया, इसमें से दो रीडिंग हमारी कंकॉर्डेंट या सेम है 6.5, तो V2 क्या हो जाएगा 6.5 mm। तो इससे हमने जो है m बाई 100 EDTA कितना यूज किया, 6.5 mm निकाल लिया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, लाफ केमिकल इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 = m2 v2, m1 गुणे v1 क्या है, ये v1 है 25 mm दिया, 25 mm रख लिया, m2 क्या है, m बाई 100 EDTA 1/100 और v2 क्या है 6.5 कर दिया और कैलकुलेशन करके निकाला तो आया 0.0026, ये हमारी मोलारिटी आ गई, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोलारिटी निकाल दिया है 0.0026, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम 40, इसको इनटू कर देंगे तो आ जाएगा 0.104 ग्राम पर 50 ml, क्योंकि हमने जो सीमेंट सॉल्यूशन दिया था 50 ml लिया था, 50 ml से हमने 250 ml बनाया था, तो जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन था हमारा क्या था 250 ml, उसमें से हमने 50 ml निकाल लिया था, उसके बाद फिर हमने उसको डाइल्यूट करके 200 ml फिर बनाया था, तो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन कितना क्या था 50 ml, तो 50 ml हमारा सीमेंट सॉल्यूशन में कितने आया, अमाउंट ऑफ कैल्शियम 0.104, ये हमारा कितने ग्राम जो है कैल्शियम आया, ठीक है 50 ml। चूंकि 50 ml सीमेंट सॉल्यूशन पे 0.104 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, तो 250 ml में बनाया, 250 ml में कितना हो जाएगा, तो 0.104 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 50, क्योंकि 50 से लिया था डिवाइडेड 50 हो जाएगा, तो इस तरह हमने निकाल लिया 0.520 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कितना आ गया 0.520 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये हमारा जो आ गया कि 250 ग्राम में कितना जो है 250 ml में कितने ग्राम कैल्शियम होगा, ठीक है। तो 250 ग्राम जो सोल्यूशन था हमारा स्टॉक सोल्यूशन, उसमें हमने कितना मिला था, एक ग्राम सीमेंट दी थी, तो इसलिए क्या होगा, एक ग्राम सीमेंट हैज 0.52 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, 100 ग्राम सीमेंट में कितना होगा 0.520 गुणे 100 कर देंगे, कितने ग्राम ऑफ सीमेंट बराबर, इसको गुणा करने पर कितना है 52.0 ग्राम सीमेंट हमारा जो है 100 ग्राम सीमेंट में 52 ग्राम जो है कैल्शियम की मात्रा है। तो जब 100 ग्राम में 52 ग्राम कैल्शियम है, इसके मतलब कि परसेंटेज कितनी होगी, 52% ऑफ कैल्शियम उसमें मौजूद है, क्योंकि 100 ग्राम में 52 ग्राम है, तो इसलिए 52% ऑफ कैल्शियम उसमें मौजूद है। तो इस तरह हमने निकाल लिया कि कितना परसेंटेज ऑफ 100 ग्राम सीमेंट में है, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज कंटेंट इज 52%। तो रिजल्ट आ गया, इस तरह हमने क्या किया, कैलकुलेट करके निकाल लिया कितनी परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन सीमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।